वैसे निवेशक हैं जो डेट म्यूचुअल फंड से दूर भागने लगे हैं, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में इस कैटेगरी के साथ हुआ है उससे आप डर गए हैं? क्या वैसे निवेशक हैं जो फिक्स डिपॉजिट पर गिरते ब्याज दर को देखकर निराश हैं और हताश भी हैं? क्या आप ऐसे निवेशक हैं कि जो ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं निवेश का जहां पर कैपिटल सेफ रहे, रिटर्न एफडी से ज्यादा रहे और वो टैक्स एफिशिएंट रहे? तो ऐसा विकल्प मेरी नजर में आया है जिसका नाम है भारत बॉन्ड ETF। इस विकल्प के बारे में इस नाम से आप फेमिलियर होंगे, आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा। तो आज के वीडियो में इस भारत बॉन्ड ETF के बारे में डिटेल में आपको मैं जानकारी दूंगी। ये सेफ क्यों है, इसका रिटर्न बेहतर क्यों है, इसकी तुलना की जाएगी FD के साथ और देखिए कि रिटर्न कैसे कैसे बेहतर है और ये टैक्स एफिशिएंट कैसे है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये निवेश का विकल्प आपके लिए अच्छा है या नहीं, किसे इसमें निवेश करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के इस नए वीडियो में, आप ही मेरे यानी स्वाति के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही वक्त है चैनल सब्सक्राइब करने का, साथ ही आप बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का अलर्ट मिल जाए। तो ये भारत बॉन्ड ETF है क्या, इसको ऐसे देख लीजिए कि ये सरकारी इनिशिएटिव है, सरकार इससे पैसे जुटाती है और इस प्रोडक्ट को डिजाइन और मैनेज करने का जिम्मा सरकार ने कहा इडलवाइज AMC को कि तुम करो है। तो पिछले साल इडलवाइज ने 2019 दिसंबर में इसका पहला ट्रांश लेकर आए थे, दो मैच्योरिटी पीरियड के साथ। पहला मैच्योरिटी हो रहा था उसका होगा 2023 अप्रैल में और दूसरे वाले का है वो लॉन्ग टर्म के लिए 2030 अप्रैल में। अब खबर आई कि भाई दूसरा ट्रांश आने वाला है जुलाई में, 14 से 17 जुलाई उसका NFO का की तारीख होगी। और उसके बाद जो मैच्योरिटी है इस बार दो है, फिर से एक 2025 की मैच्योरिटी है और दूसरे की 2031 की। तो इसमें बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पैसे कहाँ लगाए जाते हैं, इसे हम क्यों कहते हैं कि ये सेफ ऑप्शन है? देखिए, यहाँ जो पैसे लगाए जाते हैं ना वो सरकारी कंपनियों के टॉप रेटेड पेपर्स में लगाए जाते हैं। तो एक तो सरकारी इनिशिएटिव, ऊपर से सरकारी कंपनियों के टॉप रेटेड पेपर्स AAA वाले, तो इससे ज्यादा सेफ्टी और क्या मिलेगी? तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क या फिर डिफॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। अब अगला सवाल कि इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने तीन रास्ते हैं। जब नया ट्रांच आता है भारत बॉन्ड ETF का तो NFO लेकर आएगी या फंड हाउस, तो उसकी एक तय तारीख होती है। दूसरा ट्रांच जो आ रहा है उसमें 14 जुलाई से 17 जुलाई NFO की तारीख है, तो आप उसमें आप निवेश कर सकते हैं उस टाइम पे। अगर उस वक्त नहीं किया आपने तो ये ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे तो आप वहां पे इसमें खरीद कर सकते हैं। अब एक्सचेंज पे खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन जिनके पास डीमैट नहीं है वो क्या करेंगे, वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। फंड हाउस जो है वो क्या करता है कि एक फंड ऑफ फंड लेकर आता है, FOF जिसको कहते हैं, जो इसी ETF में निवेश करेगा। तो आप वहां पर एक जैसे नॉर्मल आप बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसे निवेश करते हैं ना, वैसे इसमें भी कर पाएंगे। तो आपके सामने तीनों रास्ते खुले हुए हैं। कितना कर सकते हैं कम से कम निवेश, 1000 रुपए की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। और एग्जिट लोड कुछ है क्या इसमें? एग्जिट लोड अगर आप 30 दिन के अंदर, यूनिट आपको अलॉट होती है उसके 30 दिन के अंदर अगर आप निकलेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा यहाँ पे 0.10% का। 30 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। लॉक इन है क्या यहाँ पे? जी नहीं, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं तो आप कभी भी इसमें खरीद या बिक्री कर सकते हैं, कोई इसमें लॉकिंग नहीं होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड हाउस के जरिए बाकी स्कीम की तरह इसमें FOF में निवेश कर रहे हैं तो भी आप कभी भी इसको खरीद या बेच सकते हैं, कोई लॉकिंग नहीं होता है। हालांकि सलाह ये रहेगी कि इसको आप मच्योरिटी तक होल्ड करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अब बात करते हैं रिटर्न की। आई नो आपके कान खड़े हो जाते हैं रिटर्न के बारे में जैसे ही बात शुरू करो। तो देखिए, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है भारत बॉन्ड ETF की, यहाँ पर आपको इंडिकेटिव रिटर्न या यील्ड पहले से ही बता दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे जब पहला ट्रांच आया था 2019 में दिसंबर में, तो उसमें दो मैच्योरिटी वाले भारत बॉन्ड ETF थे, एक 2030 की मैच्योरिटी वाली थी और एक था 2023 का मैच्योरिटी वाला। तो जो 2023 का 3 साल का जो मैच्योरिटी वाला था उसका जो यील्ड था बताया गया था वो 6.69% के आसपास दिया गया था, और जो 10 साल वाला था 2030 वाला उसका इंडिकेटिव यील्ड
7.58% यील्ड से, मतलब आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए रिटर्न की बात की जा रही है। तो अभी जो नया आने वाला है 2020 जुलाई में, उसमें जो दो अलग अलग मैच्योरिटी वाले यहाँ पर भी आएंगे भारत बॉन्ड ETF, एक 5 साल की मैच्योरिटी वाला और एक 11 साल की मैच्योरिटी वाला। तो 5 साल वाले में आपको जो इंडिकेटिव रिटर्न दिया गया है वो है 6.04% और जो 11 साल वाला है उसमें आपको 7.04%। अब आप सोचेंगे कैसे ये एग्जैक्ट ऐसा नंबर दे सकते हैं इंडिकेटिव यील्ड के नाम पे या इंडिकेटिव रिटर्न के नाम पे। तो देखिए यहाँ पर ना फंड मैनेजर जिस भी बॉन्ड में शुरुआत में पैसे लगाएगा उसको वो होल्ड करता है पूरे ड्यूरेशन, पूरे मैच्योरिटी तक। अगर 5 साल के लिए तो 5 साल के लिए उसको होल्ड करेगा। यहाँ पे बाकी डेट म्यूचुअल फंड की तरह चर्निंग नहीं होती है, खरीद बिक्री ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए फंड मैनेजर के लिए आसान है इस चीज को कैलकुलेट करना कि मैच्योरिटी तक कितने रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर इंडिकेटिव यील्ड दे दिया जाता है। अब एक बार इसकी तुलना डेट फंड से कर ली जाए, क्योंकि डेट फंड को भी हम जरा सेफ और कम रिस्की इन्वेस्टमेंट विकल्प मानते थे। तो यहाँ पर सेफ्टी के मामले में भारत बॉन्ड ETF एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, सरकारी कंपनियों के टॉप रेटेड बॉन्ड में निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है यहाँ पर, लेकिन अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो वहां पर आपको जो इंडिकेटिव यील्ड बताई गई है उतना तो रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है। डेट फंड में अलग अलग 16 कैटेगरी है, उसके अलग अलग मैंडेट है, किसमें कैसा निवेश होगा इसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी चीज देख लीजिए, अगर आप जो डेट फंड कैटेगरी में जो सेफ कैटेगरी है जिसको आप बोलते हैं गिल्ट फंड या फिर आप कह लें बैंकिंग एंड PSU फंड, वहां पर एक्सपेंस रेशियो की तुलना कर लें अगर, तो डेट म्यूचुअल फंड में वो जो कैटेगरी, उस कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशियो है उसका रेंज है 0.05% से 1.04% का। वही भारत बॉन्ड ETF में आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.0005% का, बहुत ही कम। भारत बॉन्ड ETF में आपको जो पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर है वो हर दिन मिलेगा, आप हर दिन चेक कर सकते हैं कि कुछ बदलाव हुआ तो नहीं है आपके उस पोर्टफोलियो में। म्यूचुअल फंड के डेट म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो आपको महीने में एक बार अपडेट किया जाता है, आप उसी वक्त देख सकते हैं, तभी देख सकते हैं, हर दिन चाहेंगे चेक करना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा और क्या, हाँ, डेट म्यूचुअल फंड में आपको अलग अलग ड्यूरेशन के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इसमें लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। भारत बॉन्ड ETF में उतने विकल्प नहीं है, आपको अगर 3 साल से ऊपर के लिए निवेश करना है तब आपको अलग अलग मैच्योरिटी का मिल जाएगा, 3 साल की मैच्योरिटी है, 10 साल की मैच्योरिटी है, जो दो नया आने वाला है वो 5 साल या और 11 साल की मैच्योरिटी वाला है। तो ये यहाँ पर दोनों का फर्क है। लिक्विडिटी दोनों में सेम है, कभी भी खरीद बेच सकते हैं, और साथ ही टैक्सेशन दोनों डेट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें वैसे ही टैक्स लगेगा जैसा डेट में लगता है। अब तुलना कर लेते हैं कि बैंक FD और भारत बॉन्ड ETF में ज्यादा बेहतर रिटर्न या फिर ज्यादा टैक्स एफिशिएंसी कहाँ पर आपको दिखेगी। मैं तुलना कर रही हूँ यहाँ पर 5 साल का बैंक FD और 5 साल की मैच्योरिटी वाला भारत बॉन्ड ETF। फिलहाल जो बड़े एस्टैब्लिश्ड बैंक है जहां पर हमारा भरोसा है वहां पर 5 साल के FD पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसका जो दायरा है वो है 5.5 से 6.5% के आसपास का। यहां पर आपको भारत बॉन्ड ETF में आपको इंडिकेटिव यील्ड दिया गया है 6.04%। अब इसको तुलना कर लेते हैं, देख लीजिए कि टैक्स एफिशियंसी ज्यादा कहाँ पर है। ये चार्ट देखिए, कैलकुलेशन किया गया है यहाँ पे। 1 लाख अगर आप दोनों में निवेश करते हैं तो कहाँ पर आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा और इसलिए आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। 1 लाख FD में, 1 लाख भारत बॉन्ड में आपकी जो कमाई होगी मैच्योरिटी पर बैंक FD में होगी 1,31,368 रुपए की, भारत बॉन्ड में आपकी होगी 1,33,135 रुपए की। लेकिन भारत बॉन्ड ETF क्योंकि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर टैक्सेशन वैसे ही होगा, तो 3 साल से ऊपर अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि आपका जो कॉस्ट है खरीदने का, परचेज कॉस्ट, उसको बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक करके। तो उसके हिसाब से आपका जो नेट कमाई होता है ना, जो गेन होता है वो कम हो जाता है, और जब नेट गेन कम होगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी कम लगेगा। तो देखिए चार्ट में यहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट जैसे ही आपने ऐड किया तो आपका नेट गेन हो गया 6,000 के आसपास,
उस पे आपको 20% लग रहा है, तो आपका टोटल जो टैक्स आउटगो है वो कम हो जाता है और आपका एनुलाइज्ड रिटर्न जो है नेट पोस्ट टैक्स वो बढ़ गया 5.81% हो गया। तुलना कीजिए उसकी एफडी में, जहां पर अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में 30% आप देंगे 31,000 पे, तो आपका जो नेट रिटर्न है वो 4.09% के आसपास का होगा। तो इसलिए इस वक्त एटलीस्ट ये जो बैंक एफडी की तुलना में ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है और ज्यादा टैक्स इफिशियंट है भारत बॉन्ड ईटीएफ। क्विकली रैप करते हैं जो हमने अभी तक बातें की हैं उसको, क्यों इसमें निवेश करना चाहिए। सेफ्टी है, AAA रेटेड सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में निवेश हो रहा है। लिक्विडिटी है यहाँ पर, इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, एक्सपेंस रेशियो कम है और ईटीएफ और एफओएफ दोनों ही फॉर्म में आपके पास ही अवेलेबल है। ठीक है, किसे निवेश करना चाहिए? कंजर्वेटिव निवेशक है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लेकिन एफडी से ज्यादा बेहतर रिटर्न चाह रहे हैं इस वक्त और ज्यादा टैक्स इफिशियंट एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ही बेहतर होगा। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो हाईएस्ट क्वालिटी पेपर्स में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मच्योरिटी तक रखेंगे इसको तो बेहतर होगा, हालांकि लिक्विडिटी है, बीच में निकल सकते हैं लेकिन इसको कोशिश कीजिए कि अपने फाइनेंशियल गोल के साथ मैच कर लीजिए और तब इसमें निवेश करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल के लिए इसमें आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में वो सब जानकारी जो एक निवेशक को जाननी चाहिए वो दे दी है, लेकिन अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपको बता दूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे कहीं से कोई पैसे नहीं मिले हैं इसके बारे में बताने के लिए, सिर्फ क्योंकि एक ही अच्छा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है मान लीजिए, उसके बारे में आपको बताना मेरा फर्ज है तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। हाँ, कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपको कह दिया है। यस, फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पे। आप सबको बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल।